press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hi guys, welcome to IWM Buzz. और आज हमारे साथ है सरोज राज, जो KBC सीजन 11 के पहले करोड़पति विनर रह चुके हैं. तो आपको सबसे पहले बहुत बधाई. तो कैसा लग रहा है एक करोड़ जीतने के बाद? सबसे पहले धन्यवाद मैम. काफ़ी अच्छा लग रहा है, एक करोड़ जीतना, और वो भी इतने कम समय में. तो काफ़ी यूनिक एक्सपीरियंस है पैसे जीतना, मतलब, और पैसे इस तरह से जीतना, मतलब मैंने आंसर्स कर दिए क्वेश्चंस के, जो भी नॉलेज एक्वायर किया उनका फ़ायदा मुझे यहाँ पे मिला. तो मुझे लग रहा है कि मतलब नॉलेज जितने दिन से एक्वायर कर रहा था, एग्ज़ाम्स मेरे नहीं हो रहे थे, तो कभी कभी लगता था कि यार इतना पढ़ रहा हूँ, एग्ज़ाम्स नहीं हो रहे हैं, और इधर फ़ायदा हो गया, तो काफ़ी खुशी हो रही है. IAS से ज़्यादा टफ आपको ये लगा कि IAS एग्ज़ाम्स लगे? नहीं, UPSC एग्ज़ाम्स से ज़्यादा, UPSC एग्ज़ाम ज़्यादा टफ लगता है, क्योंकि वो मैं तीन बार से तीन प्री हो रहे हैं, मेंस नहीं हो रहे हैं, यहाँ तो फर्स्ट बार में आया और हो गया, तो मुझे ज़्यादा टफ लगता है. तो कैसी थी पूरी जर्नी, मतलब ऑनलाइन से लेकर अब तक की? सबसे पहले तो मतलब मैं हर दिन क्वेश्चंस देखता था, क्वेश्चंस आते थे, एक में से 15 में तक आए थे, तो क्वेश्चंस का SMS करना होता था, एप्लीकेशन से जवाब देना होता था, मैं देता था. फिर मेरे को कॉल आया कि आपका हो गया है रैंडमाइजर, एक सॉफ्टवेयर होता है उससे सिलेक्टेड 27,000 के करीब बंदों को सिलेक्ट किया गया था, उसमें एक मैं भी था. तो मुझे तीन क्वेश्चंस का जवाब देना था, तो मैंने उसमें दो के ऑप्शन दिए जाते थे और एक के नियर अबाउट जवाब देना चाहता, तो मैंने दिया. फिर कुछ दिनों के बाद हुआ कि फिर आप 4700 में आ गए, आपको ऑडिशन होगा. तो ऑडिशन के टाइम मैं घर पे ही था, तो ऑडिशन पटना में हो रहा था, तो वहाँ गया, ऑडिशन दिया, और मैंने ऑडिशन के फॉर्म में अपने नंबर के साथ अपने चाचा का भी कॉन्टैक्ट नंबर डाल दिया था. और उसके बाद मैं, मेरे मेंस के एग्ज़ाम थे, तो मैं प्रिपरेशन कर रहा था, तो मोबाइल फ़ोन अपना रूम पे छोड़ देता था और लाइब्रेरी में रहता था. तो जब कॉल आया तो मेरे चाचा के कॉल पे आया कि ये कॉल उठा नहीं रहा, आप देखिए क्या करना है. वो भी काफ़ी परेशान थे, वो मेरे दोस्तों को कॉल कर रहे हैं. फिर दोस्तों ने मुझे बताया, फिर मैंने घर पर बताया, तो चाचा बताया मुझे कि ऐसा है. तो फिर मैंने बात किया, फिर हॉट सीट पे आना. सारा एक्सपीरियंस एक काफ़ी यूनिक एक्सपीरियंस है, मतलब एक जर्नी में काफ़ी धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप्स के साथ हॉट सीट पे पहुंचा और फिर एक करोड़. 15वें क्वेश्चन का आंसर आप जानते थे, आप तो भी आपने लाइफलाइन यूज़ किया, एक्सपर्ट एडवाइस लिया, क्यों? क्योंकि एक्सपर्ट एडवाइस का लाइफलाइन मेरा बचा हुआ था, और 16वें क्वेश्चन में हम कोई लाइफलाइन नहीं ले सकते थे, तो आपने यूज़ कर लिया पहले ही. हाँ. ओके, तो ये जानना चाहेंगे कि जब 16वां क्वेश्चन आया, कितना टफ आपको लगा? आपको कितना नॉलेज था क्रिकेट के बारे में? आपने क्रिकेट पे बहुत ज़्यादा फोकस रखा है? नहीं, क्रिकेट पे तो मेरा उतना कुछ ज़्यादा नॉलेज ऐसे भी नहीं है, क्योंकि मैं उतना क्रिकेट बस इंजॉय करता हूँ, देश जीतता है, मैं स्टैटिस्टिक्स में नहीं जाता हूँ. और ये तो स्टैटिस्टिक्स से क्वेश्चन था अभी, मतलब अबाउट 70 ईयर्स पहिए के क्वेश्चंस थे, तो मतलब 70 ईयर्स पहिए के क्वेश्चंस तो आज ही के थे, 70 ईयर्स पहिए का इवेंट हुआ है, तो मुझे एकदम से एक कुछ भी आइडिया नहीं था उसमें. आपके पिताजी और आपका सपना था कि अमिताभ जी से मिले, तो दोनों का सपना एक साथ पूरा हो गया, तो क्या बोलना चाहोगे? मतलब कितना अच्छा लगा अमिताभ जी से मिला, मतलब सबके एक हमेशा एक सुपरस्टार रह चुके हैं, रहे हैं, तो आप क्या बोलना चाहोगे इस पर? काफ़ी अच्छा लगता है अमिताभ बच्चन सर से मिलना, उनसे बात करना, ये ड्रीम था जो पूरा हुआ है, तो काफ़ी यूनिक एक्सपीरियंस है. तो एक करोड़ के नाम का क्या करना चाहोगे? जैसे कि हमने देखा है कि आपने बोला कि आपको इन्वायरमेंट और हेल्थ इशू पे ज़्यादा वर्क करना है, तो आप कितना उस पे डालोगे ये पैसा? तो मतलब हेल्थ एंड इन्वायरमेंट पे तो मेरा वर्क करने का इंटरेस्ट है, सिविल सर्वेंट होने के बाद मैं इन चीज़ों पे फोकस करना चाहता हूँ, जो मेरा प्रायोरिटी एरिया रहेगा. बट ऐसे भी मैं अगर कोई भी काम करूँगा तो इन चीज़ों का पैसे का खर्च, तो मैं एक नर्सरी बनाना चाहता हूँ, क्योंकि इन दो चीज़ों को पैसे से ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है, हेल्थ का डिफरेंट जरूरत है, गुड मेडिकल फैसिलिटीज होने चाहिए, जो मैं नहीं कर सकता हूँ इतने पैसों से भी नहीं, और मैं डॉक्टर भी नहीं हूँ कि मैं कुछ कर सकता हूँ. बट हाँ, अगर IAS बना तो उनके पास काफ़ी ज़्यादा पावर होता है कि वो ऐसा कुछ कर सकें. ओके, जैसे कि हमने देखा कि न्यूज़ में कि आप जब सबको पता चला कि आप जीत गए, तो आपके गांव में बहुत सारे जश्न मन रहे हैं, तो आप क्या बोलना चाहोगे इसमें? बहुत अच्छा लगता है कि आपके खुशी में अगर लोग खुश हो रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है, और मेहनत करने और आगे बढ़ने का मन करता है. ओके, आप ऑडियंस को क्या बोलना चाहोगे कि वो कैसे प्रिपेयर हो जाए आगे के KBC के एपिसोड्स के लिए, या कैसे वो अप्लाई करें?
सबसे पहले तो एंजॉय करो, केबीसी देखो, सब अच्छा लगता है। अगर आपको अच्छा लग रहा, आपको भी लग रहा है कि आप क्वेश्चंस के जवाब दे रहे हो, तो फिर पढ़ाई करो। पढ़ाई क्या करना, आप तो स्टडीज कर, हर कोई कर नहीं सकता, लेकिन सीखो, बुक्स पढ़ो, ये सारी कामें करो। ओके, तो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू मैम।